बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो साइक्लिक कंपाउंड्स में कैसे जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो कंडीशंस हैं वो क्या थी, तो उसको ज़रा रिवाइज कर लें। हमने पढ़ा था कि उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट पढ़ा था कि बोथ ग्रुप्स अटैच टू डबल बॉन्डेड कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। तो हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की चूंकि मजीद एग्जाम्पल्स हमने की थी, फिर हमने कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में देखा, वहाँ भी रिस्ट्रिक्शन या रोटेशन होती थी और ग्रुप्स डिफरेंट होते थे। और फिर हमने पढ़ा था नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एजो बेंजीन वगैरह एजो कंपाउंड्स में कि जो है डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्शन होती थी रोटेशन में। तो देखें, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एक इसकी बुनियादी शर्त है, बेसिक कंडीशन है। उसके बाद फिर अगली कंडीशन थी कि बोथ ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। तो यहाँ पे आप हमारे पास देखें साइक्लोएल्केन्स की अगर हम बात करें तो साइक्लोएल्केन्स में sp3 हिब्रिडाइज कार्बन होते हैं और उनमें भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। जैसे डबल बॉन्ड कार्बन होता है तो उसमें रोटेट नहीं कर सकते हम। देखें, ये हमारे पास सिस टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है तो इसको हम रोटेट नहीं कर सकते थे, ये हम तफसील से पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड होता है। अगर आप रोटेशन करेंगे तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो इसको हम ब्रेक नहीं जो है वो ब्रेक करेंगे तो फिर दूसरी फॉर्म ट्रांस हासिल होगी। सेम इसी तरह अगर हम देखें तो ये आपके सामने बेटा साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर, अगर मैं सिंपल बताऊं तो ये तीन कार्बन इसके साथ साइक्लिक फॉर्म में है, जिसको हम ट्राइंगल बना के शो करते हैं, इसका शॉर्ट वर्जन है। उसके बाद साइक्लोप्रोपेन के अंदर आपको पता है हर कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन होते हैं। इस कार्बन की दो हाइड्रोजन है, उसको हम नहीं लिख रहे, लेकिन इन दो कार्बन के साथ हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया है तो ये बन जाएगा 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन है। इसके स्ट्रक्चर को अगर साइक्लिक फॉर्म में आपके सामने मैं लिखूं तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां पे आपको शो करूं तो ये देखें साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है, आप देख सकते हैं बेटा कि इस साइक्लोप्रोपेन में देखेंगे ये हमारे पास ये तीन कार्बन है रिंग के अंदर, आप देख सकते हैं ब्लैक कार्बन कार्बन कार्बन। अब इस कार्बन के साइक्लिक स्ट्रक्चर को अगर मैं रोटेट करना चाहूं तो जिस तरह डबल बॉन्ड को मैंने कहा था रोटेशन नहीं कर सकते, अगर मैं इसको भी रोटेट करूंगा तो जाहिर बात है कि इसमें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी जो इंटर कन्वर्जन भी बॉन्ड ब्रेकिंग से होगी। तो ये जो है कन्फिगुरेशन आइसोमरिज्म की टाइप ही है, जिसमें एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में हम बॉन्ड ब्रेकिंग से कन्वर्ट करते हैं। तो जिस तरह डबल बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं थी हमने पढ़ा, इसी तरह यहाँ पर जो है साइक्लोप्रोपेन हो साइक्लोब्यूटेन हो साइक्लोपेंटेन हो, इन स्ट्रक्चर्स में भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। इसको बोर्ड पे ड्रॉ मैंने जो किया है आप देख सकते हैं। अगर आप इसको देखें इस तरह तो आप देखेंगे ये तीन कार्बन प्लेन पे हैं और ये जो येलो कलर का बॉल है जिसको मिथाइल समझ लें, ये बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, ये आपकी तरफ है। इसको हम वेज लाइन से शो करेंगे, देखें जरा ये वेज स्ट्रक्चर से शो किया हुआ है। और जो मिथाइल येलो कलर का बैक साइड पे है, ये दूसरा मिथाइल, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, तो इस मिथाइल के बिल्कुल इस साइड पे ऑपोजिट है। तो इस मिथाइल को हमने किस तरह शो किया बेटा, डैश स्ट्रक्चर से, क्योंकि ये इनवर्ड है, आपसे दूर है। इसी तरह ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आपकी तरफ है ये वाला, तो इसको हमने वेज स्ट्रक्चर से शो किया है। और जो हाइड्रोजन पीछे की तरफ होगा उसको डैश स्ट्रक्चर से शो किया। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, वेज डैश कैसे लिखते हैं बोर्ड पे, जो बॉन्ड प्लेन से बाहर की तरफ होते हैं उसको वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, जो अंदर की तरफ होते हैं उसको डैश से शो करते हैं। आप ये वाजे देख सकते हैं, अगर मैं इसको इस मिथाइल को या इस जो मिथाइल है ये वाला, इसको मैं इधर लिख लूं पहले वाला जो है, फर्ज करें ये है। अब ये दोनों मिथाइल बाहर की तरफ है, आप देख सकते हैं ये दोनों मिथाइल बाहर की तरफ है, दोनों को वेज से शो किया है, ठीक है। इनके दरमियान डिस्टेंस देखें कितना है, ये डिस्टेंस कितना है यहां से आप देख सकते हैं, जितना डिस्टेंस भी है। जब इस मिथाइल को मैं पीछे ले जाऊंगा तो ये मिथाइल जो बेटा इधर लगेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे, अब यहां से इस मिथाइल का डिस्टेंस ज्यादा हो गया है, तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मिथाइल ग्रुप्स इंक्रीजेस। तो ये बात एक नई आपने याद रखनी है, ये देखें डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान ज्यादा हो गया है, यहां डिस्टेंस कम था, इसको हम कह देते हैं डी डैश। तो डी डैश जब मिथाइल ग्रुप्स ऑपोजिट साइड पे गए, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड, तो उनके दरमियान डिस्टेंस डी डैश इस डिस्टेंस से ज्यादा हो गया जब दोनों मिथाइल बेटा आउटवर्ड थे। तो ये बात एक नई याद रख लें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पहले हम ये कहते रहे हैं कि ये सिस फॉर्म है, जैसे बेटा देख सकते हैं आप, और ये हमारे पास ये टू ब्यूटीन का स्ट्रक्चर आपको याद हमने पढ़ा था होता है,
दोनों मिथाइल सेम साइड पे, दो हाइड्रोजन सेम साइड पे। अब ये दोनों का डिस्टेंस देखें यहां पे इतना है, अगर मैं इस मिथाइल को ट्रांस कर लूं, ये वाली ट्रांसफॉर्म में ले जाता हूं, तो देखें क्या होगा। अब इसमें आप देखें कि ये इन दोनों का डिस्टेंस चेक करें, अब इस मिथाइल और इस मिथाइल का क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो एक तो हम ये कहते थे कि ऑपोजिट साइड पे होना जरूरी है, लेकिन ऑपोजिट साइड के साथ एक नई बात आज सीख ले कि उनका डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाता है। अगर इसका इसके साथ डिस्टेंस चेंज ना होता तो बाजार ये दूर भी, मतलब ये लगता आपको ऐसे ही, जैसे कि आगे एग्जांपल में पढ़ेंगे। तो बात क्या याद रखनी है कि जब सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हम कहते हैं तो इसका मतलब ये भी दोनों आउटवर्ड है, दोनों का डिस्टेंस ये है। जब एक फ्रंट साइड पे आ गया, बैक साइड पे चला गया, तो डिस्टेंस इनका ज्यादा हो जाएगा। तो वो कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। ये मैं आपको बता चुका हूं, ये देखें कि ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर था, ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है। तो इन दोनों के दरमियान देखें डिस्टेंस पहले ज्यादा है, पहले ये मिथाइल यहां पे था तो डिस्टेंस इसका कम था, अब ये दूर चला गया तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो डिस्टेंस तो ये याद रखना है कि एसपी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, दूसरी बात के जो है वो क्या होना चाहिए, दो सिमिलर ग्रुप्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एक में और एक में कम होना चाहिए, यानी कि डिफरेंट होना चाहिए। तो ये दोनों में सेम फाइव पे और ये ऑपोजिट साइड पे है, तो इसको हम सिस कह देंगे, इसको ट्रांस कह देंगे। अब इसको हम वेज और डैश की बजाय सिंपल लिखेंगे, हम अंडरस्टूड है कि एक बॉन्ड जो है वो वेज पे होगा, एक डैश पे होगा, दोनों सेम साइड पे नहीं होंगे। तो ये हमारे पास सिंपल जो है सॉलिड लाइन स्ट्रक्चर में है, दोनों मिथाइल सेम साइड पे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे, सिस ट्रांस। इधर आ जाए यहाँ पे 1,4-dimethyl cyclobutane है, दोनों मिथाइल सेम साइड पे हैं, तो इनका डिस्टेंस देखिए कम होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस कम है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे ये देखिए डिस्टेंस ज्यादा हो गया है। तो यहाँ डी डैश ये ज्यादा है और ये डी है ये कम है। तो दो सिमिलर ग्रुप्स में एक स्ट्रक्चर में इनका डिस्टेंस कम है, एक में ज्यादा है, या दूर है, ऑपोजिट है, तो ये ट्रांस हो जाएगा और ये सिस हो जाएगा। सेम इसका आ जाए 1,4-dichlorocyclohexane है, यहाँ इनका डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। इसको आपने याद रखना है, इसको कहते हैं स्पेशियल डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स, या एरियल डिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये ज्यादा होना जरूरी है, ये बात आज इसे बताइएगा, आज इसकी जरूरत पड़ेगी। हम आगे जाके देखेंगे कि ये डिस्टेंस चेंज हो तो फिर इसको सिस ट्रांस कहेंगे। बास स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, बाजार ऐसा लगता है कि सिस और ट्रांस है, लेकिन उनका डिस्टेंस दोनों साइड से सेम साइड होता है, उसको हम सिस ट्रांस नहीं कह सकते, वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखें दो कार्बोक्सी ग्रुप लगे हैं 1-2 पोजीशन पे साइक्लोब्यूटेन में, ये ऑपोजिट साइड पे हैं, जिनका डिस्टेंस ज्यादा है ये सेम साइड पे, डिस्टेंस कम ये सिस और ये ट्रांस। और ये हमारे पास 1,4-dimethyl cyclohexane है, इसमें भी देखिए दो मिथाइल सेम साइड पे हैं, अगर इसको मैं एक को ऊपर लिख दूं एक को नीचे लिख दूं तो ये ट्रांस हो जाएगा, वो आप खुद बना सकते हैं आसानी के साथ। अब अगर ये साइक्लिक कंपाउंड डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हो तो आपको पता है कार्बन जो है इसका एक ग्रुप डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो ये दोनों डिफरेंट है, लेकिन इस कार्बन, ये जो कार्बन है यहां पर, इसके साथ इधर भी कार्बन, ये कार्बन आगे भी कार्बन, कार्बन कार्बन, तो ये समझ लीजिए सिमिलर ग्रुप्स हैं। जैसे हम कहते थे कि कार्बन के साथ एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, इधर बेशक डिफरेंट है, तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ग्रुप्स कार्बन के साथ क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो यहाँ ये दोनों साइड्स सेम ग्रुप्स है, बेशक साइकिल में है लेकिन फिर भी सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इस कार्बन पे मिथाइल की ब्रांच लगा दें, अब देखिए जरा ये हाइड्रोजन ये मिथाइल दोनों डिफरेंट है, इस तरफ इस कार्बन के साथ एक तरफ तो कार्बन है, लेकिन दूसरी तरफ जो कार्बन है वो डायरेक्ट दो कार्बन से अटैच है, इधर और इधर, और ये कार्बन आगे एक कार्बन से अटैच है, तो प्रायोरिटी में ये प्रायोरिटी नंबर 1 आ जाएगी और ये प्रायोरिटी नंबर 2 आ जाएगी। तो जब ये स्ट्रक्चर था तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये मैं बता चुका हूं कि दोनों साइड पे सेम ग्रुप्स थे, क्योंकि यहां मिथाइल लगाने से क्या हुआ, इधर प्रायोरिटी 1 होगी, इधर प्रायोरिटी 2, इधर प्रायोरिटी इसकी 1 है इसकी 2, तो 1 प्रायोरिटी वाले दोनों ऑपोजिट साइड पे, तो ये क्या होगा, ई होगा। अगर दोनों प्रायोरिटी 1-1 वाले सेम साइड पे होते तो क्या कहते हैं इसको बेटा, जेड कहते, जी कहते, तो यहां ई आएगा। उसके बाद यहां पे देखें, अगर यहाँ दोनों हाइड्रोजन मिथाइल डिफरेंट थे, यहाँ दोनों सेम कर दिए हैं, इधर भी दोनों सेम, ये भी दोनों सेम, तो ये सेम कार्बन है, आगे सारा सेम है, तो ये वाली फॉर्म होगी, दोनों सेम है, इधर भी दोनों सेम हो गए हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। उसके बाद बेटा आ जाए, ये छोटी 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 एग्जाम्पल थी जो हमने की। अब हम बात करते हैं एलिन्स की। एलिन्स का नाम आपने सुना हुआ है, एल्कीन्स हम कहते हैं ऐसी एल्कीन्स को जिसमें डबल बॉन्ड कंसेक्टिव हो, यानी कि 1,2,2,3,3,4,4,5, जैसे हमने कहा 1,3-butadiene, इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट होता है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C,
तो दरमियान में गैप आ गया। लेकिन अलीन क्या होती है, जिसमें डबल बॉन्ड साथ साथ आ रहा हो, यानी कि डबल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड कंसेक्टिव आ रहा हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, एलीन्स कहते हैं। और सेंट्रल कार्बन जो होती है उसकी वैलेंसी ऑलरेडी पूरी होती है, देखिए इसके दो दो चार बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी दो दो चार बॉन्ड पूरे हैं। तो जो टर्मिनल कार्बन होगी, अगर मैं यहां तक बनाऊं तीन चार कार्बन का जो एलीन बनाऊं, तो यहां पे एक हाइड्रोजन है सपोज, यहां पे एक मिथाइल है, और यहां भी एक हाइड्रोजन है और यहां भी एक मिथाइल है, ठीक हो गया। तो हम बात करेंगे कि ये हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, दोनों हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तो उसकी चूंकि हम बात नहीं करें, अगर सिमिलर ग्रुप्स आ जाएंगे तो फिर सिस ट्रांस को तो हम डिस्कस ही नहीं कर सकते ना। तो हम पहले ये कंडीशन खुद ही लगा रहे हैं कि दोनों ग्रुप्स क्या हैं, डिफरेंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल और ये हाइड्रोजन, तो आप बाहर इसको देखोगे आपको, तो आपको बेटा क्या लग रहा है, ये आपको बाजार ये स्ट्रक्चर देखें तो ये sp2 hybridized है, ये sp hybridized है, क्योंकि दो पाई बॉन्ड बनाए हैं। अब वो तो एसिटाइलीन में sp hybridization कार्बन की होती है, तो उसमें दो पाई बॉन्ड होते हैं, जब भी कार्बन दो पाई बॉन्ड बनाए तो sp hybridized होगा, जब कार्बन एक पाई बॉन्ड बनाए तो sp2 hybridized होगा। ये sp2 है क्योंकि इसने एक पाई बॉन्ड बनाया है, इसने भी sp2 है एक पाई बॉन्ड बनाया है, इसने दो पाई बॉन्ड बनाए दोनों तरफ, इसलिए ये sp hybridized होगा। अब अगली बात बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आप इस स्ट्रक्चर को बाहर देखें तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, मैं फॉर एग्जांपल ये लिखता हूं, ये हाइड्रोजन है, ये फिनाइल है, और ये भी हाइड्रोजन है और ये फिनाइल है। तो यहां पे इसका मैं ट्रांसफॉर्म बनाता हूं आपके सामने, ये हाइड्रोजन है और ये फिनाइल है, और यहां पे फिनाइल ऊपर कर दिया और हाइड्रोजन नीचे कर दिया, तो बेटा ये सिस होगा और ये ट्रांस होगा, ये मैं नजर आ रहा है कैसे, क्योंकि इसको ऐसे समझे आप कि ये स्ट्रक्चर जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारे पास समझ लें ट्रांसफॉर्म में, ये फिनाइल ऑपोजिट साइड पे चला गया, अगर मैं इसको नीचे कर दूं, इसको ऊपर कर दूं, तो आप देखें कि यहां जब ये यहां होगा तो इसका डिस्टेंस कम होगा, जब ये यहां जाएगा तो इसका डिस्टेंस देखें ज्यादा हो गया, जिस तरह से इस ट्रांस में मैंने समझाया था कि डिस्टेंस यहां कम है यहां ज्यादा हो गया, तो ये बात पुरानी है, इसमें सिस ट्रांस होगा। लेकिन ये जो बात मैंने नहीं समझा, ये कि डिस्टेंस भी डिफरेंट होना जरूरी है, ठीक है, उसके लिए यहां आपको ऐसे लग रहा है, देखे सामने ये फिनाइल फिनाइल सेम साइड पे है तो ये सिस है, अगर ये फिनाइल मैं ऊपर कर दूं हाइड्रोजन नीचे कर दूं, तो अब ये देखें नीचे वाले स्ट्रक्चर में ये फिनाइल ऊपर कर दिया फिनाइल नीचे है, तो ये फिनाइल आपको क्या लग रहा है, इस तरह जैसे ये फिनाइल ऑपोजिट है, ये आपको फिनाइल ऑपोजिट लग रहा है ना, तो ये फिनाइल भी इस फिनाइल से आपको ऑपोजिट दिखाई दे रहा है, नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये भी तो दूर है, दूर नजर भी आ रहा है, यहां से देखें इसका डिस्टेंस कम है, इसको यहां से देखें तो ये इसका डिस्टेंस ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे इसका डिस्टेंस ज्यादा है इसका डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस फर्ज करें डी है तो ये डिस्टेंस डी डैश है तो डी डैश ज्यादा है डी से, यहां भी ऐसे ही है, ये दोनों का डिस्टेंस डी है तो ये दोनों का डिस्टेंस इस बोर्ड पे देखें तो डी डैश ज्यादा है, लेकिन बेटा ज्यादा नहीं है, ये फिनाइल चाहे इधर हो चाहे फिनाइल इधर हो, ये फिनाइल इधर ही रहे और इस फिनाइल को देखें, ये फिनाइल इधर ही है, इस फिनाइल को ऊपर कर दें हाइड्रोजन नीचे कर दें, तो इस फिनाइल का इस फॉर्म में भी डिस्टेंस सेम है। इस बात को समझने के लिए आपको ये स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, देखिए बेटा ये डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, ये फर्ज करें ये स्ट्रक्चर है, पहले स्ट्रक्चर को समझ लें आप कि पहले कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड बना वाई वाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से बना, और ये जो पाई बॉन्ड बना है आप देखिए ये परपेंडिकुलर आपको नजर आ रहा है पाई बॉन्ड, और ये इस परपेंडिकुलर के ये प्लेन में नजर आ रहा है आपको पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो समझ ले ये वाई वाई से बना है और ये जेड जेड से बना है, अगर इसको मैं ऐसे करूं तो ये वाई वाई से बना है और ये जेड जेड से बना है, तो वाई और जेड एक दूसरे के क्या होते हैं परपेंडिकुलर, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड इस तरह है एक्स वाई प्लेन में तो दूसरा वाई जेड प्लेन में होगा, तो इससे क्या होगा, अब इसकी और बात देखें जरा, ये तो बात आपको समझ आ गया, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक पाई बॉन्ड ऐसे है जैसे पहले वाला ऐसे है तो दूसरा उसके साथ ऐसे है, अब इसके साथ जब ये पाई बॉन्ड ऐसे होगा इसके साथ जो ये फिनाइल ग्रुप अटैच है रेड कलर का मैंने शो किया, देखें ये आउटवर्ड है, इसको यहां से देखें ये एक तरफ है और ये इस तरफ है, अगर मैं यहां से इसको ऐसे ले जाऊं तो आप देखें ये रेड वाला पोल आपको क्या नजर आ रहा है आउटवर्ड नजर आ रहा है आपकी तरफ है, और ये व्हाइट वाला आपसे अवे है, व्हाइट वाला इनवर्ड है, तो इनवर्ड वाले को मैंने डैश से शो किया है और व्हाइट वाले को किससे शो किया है, जो रेड वाले को शो किया है वेज से जो बाहर की तरफ है आउटवर्ड है, और ये ब्लैक वाले को कैसे शो किया है डैश से, व्हाइट वाले को कैसे शो किया है डैश से, जबकि ये जो फिनाइल ग्रुप है ये प्लेन पे है, आप देखें बेटा ये प्लेन में नजर आया कि नहीं, ये सारा एक ही प्लेन है,
ये सारा एक ही प्लेन है, ये एक ही प्लेन में, ये आउटवर्ड या इनवर्ड नहीं है। और जो बॉन्ड आउटवर्ड या इनवर्ड ना हो, प्लेन पे हो, उसको हम सॉलिड लाइन से शो करते हैं, मैं पहले समझा चुका हूं। तो ये फिनाइल ग्रुप ये वाला है फर्ज करें, और ये हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ अटैच है। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख सकते हैं ये प्लेन पे है और ये आउटवर्ड है फिनाइल, और ये फिनाइल इनवर्ड है। तो ये स्ट्रक्चर यहां पे आप देख सकते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर है। अगर मैं यहां पे ये फिनाइल ग्रुप इस फिनाइल से सेम डिस्टेंस पे है, इसके ये आपको बाजार लग रहा ट्रांस है। अगर इस फिनाइल को मैं इधर कर दूं, इस फिनाइल को मैं इधर कर दूं, इस हाइड्रोजन को इधर कर दूं, फिर भी इसका इससे डिस्टेंस क्या देखो होगा, सेम होगा। यानी कि ये आप इसको फर्ज कर लें कि आपको बाजार ऐसा लग रहा है कि ये दोनों सेम साइड पे हैं और ये दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं। कैसे दे देखें इसको, आप देखें ये फिनाइल इस फिनाइल से इतने डिस्टेंस पे है। अगर मैं इसको कर दूं तो ये हाइड्रोजन भी फिनाइल से इतने डिस्टेंस पे है। तो अगर ये इसको मैं इधर कर भी दूं तो डिस्टेंस बिटवीन टू फिनाइल्स विल रिमेन सेम। सेम इसी तरह ये हाइड्रोजन है, आपको यहां लग रहा है ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम साइड पे है, ये हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड पे। लेकिन यहां देखें ये हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन से डिस्टेंस सेम है। अगर ये हाइड्रोजन इधर चला जाए तो इसका डिस्टेंस फिर भी सेम होगा, ये ऑपोजिट नहीं है, ये इसके बिल्कुल फ्रंट पे है, ये भी उसके फ्रंट पे है। प्लेन सिर्फ डिफरेंट है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है। हाँ, अगर दोनों का प्लेन सेम होता, दोनों का प्लेन सेम होता, जैसे कि इसमें है, इसमें अगर ये प्लेन सेम है, जब सिंगल डबल बॉन्ड एक है तो ये ऑपोजिट साइड पे है और ये वाकई ऑपोजिट साइड पे, इनका डिस्टेंस चेंज होता है। अगर इसमें हाइड्रोजन को मैं ऊपर लिख लूं, इस फिनाइल को मैं नीचे ले जाऊं या फर्ज करो, तो फिर इसका डिस्टेंस करीब हो गया या दूर हो गया। लेकिन एलीन्स का स्ट्रक्चर आप जब भी देखेंगे बेटा, तो ये स्ट्रक्चर जब तक मॉडल ही देखेंगे आपको समझ नहीं आएगी। बाजार आपको ये ट्रांस लग रहा है और ये सिज लग रहा है, ये दोनों फिनाइल सेम साइड पे लग रहे हैं, इसका जितना डिस्टेंस यहां से है उतना ही यहां से है, क्योंकि इस मॉडल से टू डायमेंशनल विजन से समझ नहीं आएगा। यहां से आप आसानी समझ सकते हैं, ये देखें यहां से जितना डिस्टेंस इस फिनाइल का इतना है, इसको मैं इधर कर दूं, इसको इधर लिख दूं, तो ये फिर भी डिस्टेंस सेम रहेगा। सेम इस तरह हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन का यहां से डिस्टेंस जितना है, इस हाइड्रोजन को मैं इधर भी कर दूं, इसका डिस्टेंस सेम रहेगा, एरियल डिस्टेंस सेम है। तो इसके लिए ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्टेड इन रोटेशन तो है, रिस्ट्रिक्शन इन रोटेशन तो है, दोनों ग्रुप्स डिफरेंट भी हैं, लेकिन इनकी पोजीशन चेंज करने से सिस या ट्रांस नहीं बनता, और ट्रांस सिस बनता नहीं है क्योंकि उनका डिस्टेंस चेंज नहीं होता सिमिलर ग्रुप्स के दरमियान। तो ये दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं, इनका डिस्टेंस यहां भी सेम है, और इधर इसको इधर कर दे तब भी उसका डिस्टेंस उतना ही रहेगा क्योंकि इन दोनों का प्लेन चेंज है। तो ये बेटा बात याद रख लें, जो अलीन्स होती हैं वो उसमें एक डबल बॉन्ड एक्स वाई प्लेन में है, दूसरा वाई जेड प्लेन में है, जिस वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, बल्कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। यानी कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रोलीवर शो कर सकते हैं, लेकिन ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं सेम यही बात यहां पर अप्लाई करें स्पायरो कंपाउंड्स में, तो बाजार आपको लग रहा है ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में है, ये मिथाइल ऑपोजिट साइड में है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। जब स्पायरो कंपाउंड्स की आप बात करें, बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स की, तो याद रखें कि ये जो स्पायरो कंपाउंड है इसको आप डबल बॉन्ड ही समझना है। तो ये समझ लें पहले एक्स वाई प्लेन में है, दूसरा वाला वाई जेड प्लेन में है। तो वही बात कि ये मिथाइल फर्ज करें ये रेड कलर का मिथाइल समझ लें, और ये मिथाइल को भी रेड समझ लें, तो फिर मिथाइल मिथाइल से क्या है सेम डिस्टेंस पे, और हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन से क्या है सेम डिस्टेंस पे, चाहे इसको इधर कर दे चाहे इधर से कर दे, दोनों ग्रुप्स के दरमियान डिस्टेंस विल रिमेन सेम। तो इस दोनों सिमिलर ग्रुप्स में पहले भी डिस्टेंस, इसका मतलब है स्पायरो कंपाउंड्स अगर दो रिंग अगर आपके सामने आ जाए तो ये भी आपको बाजार यहां स्ट्रक्चर में लग रहा है ये मिथाइल ऑपोजिट है, लेकिन एक्चुअली जब थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक जैसी ऑपोजिट नहीं है, बल्कि इक्वल डिस्टेंस में है सिस में भी और ट्रांस में भी। तो इसलिए इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। लेकिन अगर तीन रिंग आ जाए, मतलब तीन रिंग आ जाए या डबल बॉन्ड देखें एक्स वाई प्लेन वाई जेड, अगर एक और प्लेन आ जाता आगे, यानी कि एक डबल बॉन्ड और आ जाता, तीन डबल बॉन्ड हो जाते, फर्ज करें मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं, अगर बेटा ये ऐसे हो जाता, फर्ज करें हम ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी फिर डबल बॉन्ड सी, तो ये बेटा आ गया एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, और ये फिर एक्स वाई प्लेन आ गया। तो अगर फर्ज करें यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर फिनाइल है सपोज कर ले, और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर फिनाइल है, अब ये सिस ट्रांस शो करेगा कैसे, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन था,
ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ, और ये परपेंडिकुलर ऊपर और एक नीचे था। ये एक्स वाई प्लेन में जब था तब वाई जेड में, तो उसको ऑपोजिट था, जैसे हमने ये देखा कि ये आउटवर्ड है, ये इनवर्ड, और ये परपेंडिकुलर ऊपर, ये परपेंडिकुलर नीचे। लेकिन जब एक और डबल बॉन्ड आगे लग जाएगा, जब एक और डबल बॉन्ड लग जाएगा तो फिर वो ऐसे हो जाएगा, यानी कि पहले ऐसे था फिर दूसरा परपेंडिकुलर ऐसे, ये दोनों ग्रुप्स, यानी कि फर्ज करो यहां पहले परपेंडिकुलर है ऐसे, उसके आगे फिर ऐसे आ गया पाई बॉन्ड, आगे फिर ऐसे आएगा, जब ऐसे आएगा तो फिर वो इन दोनों के पैरेलल हो जाएगा। मैं आपको ये स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं, एक मिनट जरा आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। ये देखे बेटा, अब ये देखे, पहला था एक्स वाई प्लेन, मैंने कहा था अगर परपेंडिकुलर ऐसे है, दूसरा आ जाएगा उसके पैरेलल, ये जो 90 के एंगल पर परपेंडिकुलर, ये देख सकते हैं आप, उसको ऐसे करो तो ये, उसके बाद फिर दोबारा आ गया तीसरा डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड पहला एक्स वाई, फिर वाई जेड प्लेन, देखिए ये एक्स वाई प्लेन, ये वाई जेड प्लेन, फिर एक्स वाई प्लेन दोबारा आ गया। अब इसके साथ दो मिथाइल जो फिनाइल और लगे हुए हैं, अब देख सकते हैं पहले क्या था, ये एक इधर था बॉन्ड, यहां जब लगा था तो एक इधर था एक नीचे था, मैंने कहा था एक ऊपर एक नीचे, अब दोनों का तीनों का प्लेन सेम, ये देखिए यहां से देखिए एंगल, ये हाइड्रोजन अब इस हाइड्रोजन से काफी दूर है और ये फिनाइल इस फिनाइल से काफी दूर है, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं इसको सेम साइड पे करूं बेटा, फर्ज करें मैं करके दिखाता हूं आपको, ये देखें, अब आप देख सकते हैं ये दोनों सेम साइड पे हैं और ये ऑपोजिट, ये दोनों सेम साइड पे हैं, ये फिनाइल जो मैंने बताया, अब ये देखें, ये तो पहले था ये एक, ये आप, ये बाहर की तरफ था, ये भी बाहर की तरफ था जब मैंने ऐसे शो किया था, और एक यहां पे ऐसे था एक यहां था ऐसे, जब यहां पे लगा हुआ था, जब दो डबल बॉन्ड थे, अब तीन डबल बॉन्ड आ गया, देखिए ये भी बाहर ये भी अंदर और ये भी बाहर ये भी अंदर, तो अब ये बिल्कुल इसके पीछे है, देखिए ये इसके बिल्कुल पीछे है और ये हाइड्रोजन भी बिल्कुल इसके पीछे है, इसका मतलब ये हुआ जब दो डबल बॉन्ड थे तो एक का प्लेन एक्स वाई था, एक का वाई जेड था, जब तीसरा डबल बॉन्ड आया तो क्या हुआ, उसका प्लेन फिर दोबारा इसी जैसा हो गया, तो ये बिल्कुल इसके आमने सामने आ गया और इसके बिल्कुल आमने सामने आ गया, तो ये सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हो गए। देखें इसको, देखें अब सेम, अब सीस ट्रांस लग रहा है कि नहीं आपको, ये सीस है, दोनों सेम साइड पे हैं, अब देखते हैं डिस्टेंस चेंज होता कि नहीं होता, ये दोनों का डिस्टेंस नोट कर ले। अब मैं अगर इसको इधर कर दूं, ये मैंने इधर कर दिया और इसको इधर कर दिया, अब बताए, अब देखें, अब इसका डिस्टेंस देखें, बाहर नजर आ रहा है चेंज हो रहा है, वहां कैसे था कि उसका एक इधर था, उसका इधर से भी डिस्टेंस सेम था, इधर से भी डिस्टेंस सेम था, क्योंकि उस तरह इस एंगल पे था उसकी जो है, लेकिन यहां पे अब ये बिल्कुल सेम प्लेन में आ गए दोनों, पहला वाला ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम प्लेन में है, इसके पीछे ये सिस, और इसको ऊपर करते हैं, इसको नीचे करते हैं तो ट्रांस। इससे बात क्या समझ आई बेटा आपको, ये मैंने मॉडल के बगैर नहीं समझ आ सकती आपको, कि जब ये अकेला था तो ये क्या था, और मैं दोबारा वो नहीं बना सकता आपको, मैंने पहले समझा चुका हूं कि वो दोनों आउट, एक था एक्स वाई प्लेन में, एक वाई जेड था, ये अगर ये ऐसे मैंने शो किया था आपको, तो यहाँ पे जो यहाँ ग्रुप था वो ऐसे था, जो यहाँ था वो ऐसे था, तो ये इनसे डिस्टेंस उसका सेम बन रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देखें इस मिथाइल का इस फिनाइल से डिस्टेंस अब स्ट्रक्चर में भी चेंज नजर आ रहा है, टू डायमेंशन में तो आता ही आता है, लेकिन थ्री डायमेंशन में देखें ये दूर है, अगर मैं इसको इधर कर दूंगा तो ये करीब हो जाएगा, क्योंकि ये अब सेम प्लेन में है। तो क्या बात समझ आई, वो एलीन्स जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो तीन होंगे, यानी कि ऑड नंबर ऑफ एलीन्स होंगी, वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेंगी, बशर्ते कि दोनों ग्रुप डिफरेंट हो, ये तो शर्त है, अगर ये सेम हो जाए फिर तो शो ही नहीं कर सकती ना, तो दोनों ग्रुप कार्बन जो टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है, दोनों ग्रुप डिफरेंट हो और डबल बॉन्ड जो है एल्कीन का कितने हो, ऑड नंबर ऑफ एलीन्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ बोथ ग्रुप्स अटैच्ड टू टर्मिनल कार्बन आर डिफरेंट, अगर डिफरेंट ग्रुप सेम हो जाएंगे फिर तो वो सवाल ही खत्म हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, तो एलीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कब नहीं करेंगी, जब इवन नंबर हो, टू हो, क्योंकि एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई, फिर आगे फिर वाई जेड आ जाएगा, तो अगर फिर वो डबल बॉन्ड फिर वो इस तरह हो जाएगा, एक आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, एक इन आउटवर्ड इनवर्ड होगा, और ये फिर उनका डिस्टेंस वही चेंज नहीं होगा, तो सिस ट्रांस नहीं होगा, तो इवन नंबर ऑफ एलीन्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑड नंबर ऑफ एल्कीन्स एलीन्स शो करेंगी, सेम यहां भी ऐसे ही होगा, याद रखें स्पाइरो कंपाउंड्स को भी आपने डबल बॉन्ड ही समझ के ट्रीट करना है, समझने के लिए कि अब देखो ये तीन आपके पास फर्ज करें स्पाइरो रिंग्स आ गए हैं, तो वही बात, पहला स्पाइरो रिंग्स एक्स वाई प्लेन में, फिर ये वाई जेड, फिर एक्स वाई, तो फिर देखें ये दोनों का डिस्टेंस मैक्सिमम है, तो ये ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा, तो अगर ये इसको मैं इधर लिख दूं, इसको मैं उधर ले जाऊं, इसको उधर ले जाऊं, तो ये सिस फॉर्म में आ जाएगा, तो स्पाइरो कंपाउंड्स का भी याद रख लें,
एक तो टर्मिनल कार्बन के दो डिफरेंट ग्रुप होना जरूरी है, और दूसरा रिंग कितने होने चाहिए, या तीन होने चाहिए, तो वो इवन नंबर ऑड नंबर में आ जाएगा। तो पहले वाले रिंग का और आखिरी वाले रिंग का प्लेन सेम हो जाएगा। तो सिस को जब ट्रांस में कन्वर्ट करोगे तो सिमिलर ग्रुप्स का डिस्टेंस चेंज होगा, तो आप वो स्पोर्ट सिस ट्रांस शो करेगा। इवन नंबर में एक एक्स वाई प्लेन में होगा, एक वाई जेड प्लेन में, तो वो शो नहीं करेगा। मैंने मॉडल के साथ जो बात समझाई है उसके बगैर आपको ये बात समझ नहीं आ सकती। आज के लेक्चर में नई बात क्या थी कि सिमिलर ग्रुप्स का ऑपोजिट होते कब है, एक्चुअली उनका डिस्टेंस भी ज्यादा होता है। जबकि अलीन्स में डाइन्स में हमने देखा कि ये बाजार ऐसा लग रहा है कि दूर है, लेकिन एक्चुअली एक दूसरे से दोनों साइड्स में डिस्टेंस सेम है। इसको सिस ट्रांस हम नहीं कह सकते। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर सकते हैं, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेंगे जब इवन नंबर ऑफ अलीन्स है, जबकि ऑड में मैंने बताया कि ऐसा पॉसिबल है। तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, इसकी प्रैक्टिस करें, जो है वो दो में याद रखें, कमेंट्स जरूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।